नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स ने किया प्रदर्शन। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए डोर टू डोर सर्वे के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सिंग स्टूडेंट्स को लगाया गया है। वहीं जब रविवार को नर्सिंग स्टूडेंट्स रामगंज क्षेत्र में सर्वे के लिए पहुंचते हैं तो क्षेत्र के लोगों ने नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी कर अभद्र व्यवहार किया। वहीं आज सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स ने सीएमएचओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग स्टूडेंट्स के अध्यक्ष विनोद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस महामारी को देखते हुए सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स अपनी जान को जोखिम में डालकर डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं और प्रशासन द्वारा ना ही किसी भी नर्सिंग स्टूडेंट्स को किसी तरह की सेफ्टी उपलब्ध करवाई गई है, जिसके बाद भी वह काम कर रहे हैं। लेकिन जब रविवार को रामगंज क्षेत्र में सर्वे के दौरान क्षेत्रवासियों ने नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ अभद्र व्यवहार किया और उनका वीडियो बनाकर वीडियो को वायरल कर दिया, जिससे सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स में काफी आक्रोश है। नर्सिंग स्टूडेंट्स ने आज सीएमएचओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा और मांग करी कि सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स को सेफ्टी उपलब्ध करवाई जाए। देखिए, कॉलेज के लड़के आए हुए हैं और घर पे ये देखने के लिए आए हैं कि ये बीमार है, सही है। ये कॉलेज के लड़के हमारे को चेक करेंगे, अब ये कॉलेज के लड़के हमारे को चेक करेंगे। ये ओए सबको बुला लो, सब आओ, ओए सबको बुलाओ, सबको बुला लो, सबको बुला लो, ओए सबको बुला लो, सबको बुला। ये कॉलेज के स्टूडेंट है और यहाँ आके डॉक्टर गिरी कर रहे हैं, ये हमारा इलाज करेंगे कॉलेज के। ये कॉलेज के लड़के हमारे को चेक करने आए हैं, ये डॉक्टर को भेजो हमारे को चेक करने के लिए। एक सीनियर डॉक्टर है, हम सिर्फ अरे सीनियर कौन है, मशीन है क्या आपके पास चेक करने की? नाम पते से बीमारी दूर हो जाएगी? हॉस्पिटल से अगर नियुक्त किया आपने, आज इनके नाम पते से बीमारी दूर हो जाती तो दुनिया का कोई भी कोरोना से नहीं मरता। नियुक्ति पत्र चाहिए, बता रहे हैं किस बोलने में नियुक्ति पत्र आपका? हमें कोई एतराज नहीं है, आप हमारी मदद करनी है, लेकिन हमें कन्फर्म तो हो जाए। नाम पते से कोई बीमारी दूर नहीं होगी, डॉक्टरों को लाओ चेक करो, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, वायरल अभी हो जाएगी, फेसबुक पे लाइव चल रहा है। ये तरीका आप पुलिस वालों से गालियां बकवा रहे हो, हमारे को बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके और डरा रहे हैं, धमका रहे हैं यहाँ पे आके हमारे को, ये पुलिस वाले। अब आप जो मेरी माई की लेने के लिए और मशीनें कहाँ चेक करने की भाई? मशीनें कहाँ? मशीनें लाओ ना, सही आदमी आपके हाथों से चेक कर लोगे या नाम पते से चेक हो जाएगा? वायरस है ये नहीं है। वहाँ से फोन आएगा फिर आएगा जब हम देख लेंगे। हमको पागल है जो हम खुद मरना चाहेंगे, कौन दुनिया में मरना चाहेंगे? सारे 14 दिन से घर के अंदर बैठे हुए हैं हम तो। घर में घुस के अगर इसी तरीके से कोई दूसरा बंदा घुस गया कोई वारदात हो गई, आप दोनों दो मुंह आपके, आप खुद ही कहोगे कि आपने आईडी क्यों नहीं देखी, बंदा कैसा घुस गया घर में? डेली आ रहा, डेली बता रहे, डेली आ रहा, नहीं लेने तो लेना तो रामनिवास जी, लो आराम से लो, लो बिल्कुल लो, बिल्कुल लो। नहीं नहीं बनाओ बनाओ, हम बनाएंगे, बनाने दो बनाने दो, बिल्कुल बदतमीजी गाली गलौज करी इन्होंने, तो मत डरो रे, मत डरो, हम ही नहीं रहेंगे। झगड़े की बात का कोई बाहर करने वाले थोड़ी। और इन सर के देखिए ड्यूटी पे हैं और बिल्ला भी नहीं लगा हुआ है, ना इनका नाम लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल सिविल में आए हुए हैं ये बिल्कुल, और यहाँ बदतमीजी कर रहे हैं और बिल्कुल गाली बक रहे हैं यहाँ पे आके। इनके कोई नाम नेम प्लेट नहीं है और बिल्कुल भी इनके नाम नहीं है, और बिल्कुल नेम प्लेट के बिना नेम प्लेट के आए हुए हैं और इनका कोई नाम वाम नहीं है इनके। ये सब झूठे हैं, इनको देखिए बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गांडू चूतिया क्या होता है? इनके बिल्कुल भी नेम प्लेट नहीं है, नेम प्लेट कुछ भी नहीं है, और यहाँ आके बिल्कुल वो है गांडू चूतिया बोल रहा है। हाँ ये शख्स वो है जो बदतमीज, हाँ की तमीज बिल्कुल नहीं है, ये अधिकारी आए इस मोहल्ले के अंदर, ये और लोगों को डरा धमका के सब नाम पते पूछ रहे हैं, राशन कार्ड मांग रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं। ये वो गांडू चूतिया किसको बोलते हैं?
आपने लैंग्वेज यूज करी ना, नहीं तो गवर्नमेंट ने ये बोलने के लिए आपको नौकरी तो लगाया क्या? आपका बिल्ला कहाँ सर? सर सर आपका बिल्ला जानकारी दे रहे सर। हाल ही में हमारी कल आरआर के 5 स्टूडेंटों की रामगंज सस्ती नगर में ड्यूटी लगी थी, तो सर उनके साथ बदतमीजी किया गया और साथ में डॉक्टर मैम के साथ भी बदतमीजी की वहाँ के लोगों ने। दूसरी चीज़, हमारा वीडियो वायरल हुआ है और हम सीएमएचओ सर के अकॉर्डिंग ये महामारी देखते हुए हमारी सेवा दे रहे हैं पूरी प्रॉपर। हम यहाँ लगातार ड्यूटियाँ कर रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए सर, गवर्नमेंट को सेवा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग बाग हमारे साथ बदतमीजी का व्यवहार कर रहे हैं। और सर हम सीएमएचओ सर से आग्रह करते हैं कि हमारी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी उनकी हो। यहाँ तक कि कल वहाँ पुलिस प्रशासन आने के बावजूद पुलिस प्रशासन से भी गाली गलौज की गई उन लोगों ने, तो सर हम सीएमएचओ सर से निवेदन करते हैं कि उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएमएचओ सर की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़, हमारी गर्ल्स भी लगातार वहाँ ड्यूटियाँ कर सकती है, हमारी गर्ल्स लोगों की भी ड्यूटियाँ लगती है, अभी तो 5 स्टूडेंटों की लगी है, कल गर्ल्स के साथ भी बदतमीजी की जाए तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी सर? तो हम क्या किया आपने सर? हमने आज यहाँ पर एकत्रित होकर सीएमएचओ सर को आग्रह करवाया कि आप जागे और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूरी जिम्मेदारी खुद ले। अगर नहीं मानते तो? यदि नहीं मानते तो हम जिला कलेक्टर महोदय के पास जाके ज्ञापन देंगे और उनसे हमारी मांग की अनुरोध करेंगे। आपका परिचय? विनोद मीणा, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय अजमेर, अध्यक्ष।